नमस्कार, डीएनएक्स धर्म कर्म में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। जैसा कि हमें मालूम है, साल में कुल 24 एकादशी पड़ते हैं, अर्थात हर माह दो एकादशी। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली एकादशी तिथि, दूसरा शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली एकादशी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। साल भर में प्रत्येक माह पड़ने वाले अन्य एकादशियों के अपेक्षा योगिनी एकादशी का व्रत व पूजा अर्चना से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन व्रत रहने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन प्रातःकाल विधि विधान पूर्वक पूजा करके भगवान विष्णु की पूजन एवं विष्णु सहस्त्रनाम मंत्र का जाप करने से कोढ़ जैसे रोग व वृक्ष काटने जैसे पाप से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही मृत्यु को प्राप्त हुए 7 पीढ़ियों को उनके पापों से मुक्ति मिलती है, अर्थात आपके व्रत रहने से आपके पूर्वजों को भी उनके किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानें योगिनी एकादशी व्रत महिमा और इसके पीछे की पौराणिक कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वर्गलोक के अलकापुरी नगर में कुबेर नामक राजा राज करते थे। राजा कुबेर भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी मौसम हो, कैसी भी विपरीत स्थितियाँ हो, राजा कुबेर भगवान की पूजा नियमित किया करते थे। कोई भी काम किसी भी तरीके से रोकना पड़ जाए, किसी भी तरीके की कैसी भी स्थितियां आ जाए, लेकिन पूजन को राजा कुबेर कभी नहीं रोकता था। राजा कुबेर का एक हेम नामक माली था जो प्रतिदिन राजा को पूजा के लिए फूल लाकर दिया करता था। राजा कुबेर भी हेम के द्वारा लाए गए फूल के पश्चात ही पूजन प्रारंभ किया करते थे। एक दिन हेम फूल तो तोड़ कर ले आया, लेकिन उसे लगा कि अभी पूजन में काफ़ी समय है, तो वह राजा के पास न पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। और आनंद के क्षण में हेम भूल गया कि मुझे राजा के पास फूल पहुंचाना है। पूजा का समय बीते जा रहा है। इधर पूजा का समय बीतने के बाद भी जब हेम फूल लेकर नहीं पहुंचा, तो राजा कुबेर को क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत हेम को बुलवाया और हेम से विलम्ब का कारण जाना। विलम्ब का कारण जानते ही राजा ने हेम माली को पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। इतना ही नहीं, राजा ने हेम माली को कोढ़ग्रस्त होकर धरती में इधर उधर विचरण का श्राप भी दे दिया। हेम धरती पर आने के बाद इधर उधर कोढ़ी के रूप में विचरने लगा। कोढ़ बीमारी को लिए हुए वह इधर उधर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगा। धरती पर आने के बाद कोढ़ और भूख प्यास की पीड़ा के बावजूद हेम माली भगवान शिव की नित्य पूजा अर्चन किया करता था। भगवान शिव की आराधना में वह नियमित रूप से जुटा रहा। हेम माली धरती में एक दिन घूमते घूमते महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंच गया। महर्षि मार्कंडेय ने उसकी स्थिति देखी तो उसे हेम माली की स्थिति पर दया आ गया। महर्षि मार्कंडेय ने हेम माली को योगिनी एकादशी व्रत रहने को कहा और विधि विधान पूर्वक योगिनी एकादशी व्रत की महिमा बताया। महर्षि मार्कंडेय के बताए अनुसार हेम माली ने एकादशी व्रत का विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान किया और योगिनी एकादशी व्रत रहा। योगिनी एकादशी व्रत रहने से उसे कोढ़ के श्राप से मुक्ति मिल गई और वह सुखपूर्वक जीवन जीने लगा। इसी कथा अनुसार धरती में लोगों को योगिनी एकादशी व्रत रहने को कहा जाता है। तो ये थी योगिनी एकादशी व्रत की महिमा, जो कोढ़ जैसे रोग से और वृक्ष के काटने से मिलने वाले पाप से भी मुक्ति दिलाता है। तो आप भी रहिए एकादशी व्रत। समस्त एकादशी व्रत की पौराणिक मान्यता जानने के लिए आप देखते रहिए डीएनएक्स। डीएनएक्स धर्म कर्म में आपको सभी एकादशियों की महिमा जानने को मिल जाएगी। आप देखते रहिए डीएनएक्स धर्म कर्म।